मधुपुर अनुमंडलीय अस्पताल में विश्व एड्स दिवस मनाया गया। इस अवसर पर अस्पताल के वरिष्ठ चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर कलवरी उरांव की अध्यक्षता में सभी चिकित्सक एवं कर्मचारियों ने विश्व एड्स दिवस पर अपने अपने विचारों को रखा। अस्पताल के ICTC लैब टेक्नीशियन मंजीत कुमार सहित अन्य कर्मचारियों ने रंगोली के माध्यम से नो फॉर एड्स जैसे स्लोगन को लिखकर प्रदर्शित किया। मौके पर डॉक्टर उरांव ने कहा कि एड्स हो जाने के कारण मरीजों में रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाता है, जरूरत है हमें इनसे बचने की। क्रिया संस्था के सहयोग से मधुपुर के आश्रय संस्था द्वारा चलाए जा रहे नजरिया बदलो जागरूकता अभियान आज मधुपुर थाना पहुंची। जेंडर आधारित हिंसा क्यों और कब तक विषय पर जागरूकता अभियान चलाया गया। अभियान में शामिल किशोरियों ने पुलिस पदाधिकारियों को रिस्ट बैंड बांधा और हाथों की धुलाई भी किया। वहीं समाज में महिला और पुरुषों के बीच भेदभाव को लेकर लोगों को जागरूक किया गया। मौके पर संस्था की दीपा कुमारी ने बताया कि इस अभियान का मुख्य उद्देश्य लिंग आधारित भेदभाव को खत्म किया जाना है। जो 25 नवंबर से 10 दिसंबर मानवाधिकार दिवस पर इनको समाप्त करना है, और ये जो है हमारा नजरिया बदलो लिंग आधारित हिंसा को खत्म करने के लिए, जो आज हमारे समाज में जो महिला और किशोरियों के साथ जो लिंग भेदभाव होता है, लड़कियों को बाहर निकलना नहीं है, अगर 7 बजे शाम तक अगर लड़कियां बाहर घूमती हैं तो उनसे कई सवाल किए जाते हैं, लड़का 10 बजे रात तक अगर घूमे तो उनसे कोई सवाल नहीं किया जाता है। इसको लेकर के हम लोग चाहते हैं कि सभी लोग मतलब इसके लिए जागरूक हों और इसको खत्म करें। हम लोग दीवार लेखन से शुरुआत किए, नजरिया मतलब दीवार लेखन से शुरुआत किए लिंग आधारित हिंसा को लेकर के, कि लड़का लड़की एक समान, तभी हमारा देश महान। देवघर एयरपोर्ट के कार्यों में तेजी लाने को लेकर जिला प्रशासन और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की समीक्षा बैठक की गई। एयरपोर्ट शुरू होने का डेडलाइन खत्म होते ही अब इसे जल्द से जल्द कैसे पूरा किया जाए, इस पर विचार विमर्श किया गया। एयरपोर्ट निर्माण को लेकर उपायुक्त मंजुनाथ भजंतरी ने कहा कि राज्य सरकार इस मामले में काफी गंभीर है। खुद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन देवघर एयरपोर्ट निर्माण को लेकर गंभीर है। कार्य में तेजी लाने को लेकर एयरपोर्ट अथॉरिटी को कई दिशा निर्देश दिए गए हैं। बैठक में सभी हमारे प्रशासनिक पदाधिकारीगण लोग और एयरपोर्ट अथॉरिटी के ऑफिशियल्स और एग्जीक्यूटिव एजेंसी जो सभी लोग थे, तो सभी लोगों को हमने बताया कि एज ए टीम काम करना है, ताकि ये राज्य के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है और ये देवघर के लिए भी, जब एयरपोर्ट कनेक्टिविटी आ जाएगा तो यहाँ पर्यटन का भी काफ़ी संभावनाएँ होंगी। तो हमने उनको बताया कि बहुत जल्दी से जल्दी ये सारा समन्वय बनाते हुए काम करने के लिए, और प्रगति काफ़ी तेजी से हो रही है और राज्य सरकार से भी काफ़ी इसमें इसको मॉनिटरिंग भी किया जाए। देवघर जिला के पुलिस पदाधिकारियों और कर्मचारियों की फिटनेस को लेकर देवघर SP अश्वनी कुमार सिन्हा काफी सजग दिख रहे हैं। इसी कड़ी में देवघर SP नगर थाना पहुंचे और पुलिस पदाधिकारियों और कर्मियों का फिटनेस टेस्ट लिया, साथ ही पैरेड भी कराया। मौके पर SP ने पुलिस जवानों को फिट रहने के कई उपाय भी बताए। मैं सर्वप्रथम पुलिस पदाधिकारी पुलिस कर्मी का यूनिफॉर्म, उनका डिसिप्लिन और इन्वेस्टिगेशन में क्या सुधार किया जाना है, कितनी तत्परता की जानी है, इस संबंध में उन लोगों को निर्देश दिया गया है। जहाँ पे अच्छा काम करें इस संबंध में उन लोगों को शाबाशी।